अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टॉप 5 की न्यू एपिसोड से मैं हूं माथान और आप देख रहे हैं फोन वाइल लाइव। व्यूअर्स, मैं आज आपको उन एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो हमें बहुत ही ज़रूरी होती है अपने स्मार्टफोन के लिए, यानी कि वो 5 एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी होती है और वो हमें डेली लाइफ में हमें ज़रूरत भी पड़ती है ताकि वो हम अपने स्मार्टफोन के लिए डाउनलोड कर सकें। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि वो 5 एप्लीकेशंस आज की कौन कौन सी हैं। व्यूअर्स, आज की जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है उसका नाम है कैम स्कैनर। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स हैं हमारे पास प्ले स्टोर पे, तो वो 50 मिलियन जिसके डाउनलोड है हमारे पास। और इस एप्लीकेशन की रेटिंग भी आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है प्ले स्टोर पे, तो वो 4.5 इसकी रेटिंग है प्ले स्टोर पे। व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है कि इस एप्लीकेशन को हम अपने स्मार्टफोन के लिए डाउनलोड कर सकें। व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी टेक्स्ट अपने स्मार्टफोन के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपके पास अगर कोई भी टेक्स्ट रिटन फॉर्म में है, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उसकी पिक्चर लेके आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप आसानी से वो तमाम टेक्स्ट को अपने स्मार्टफोन में कॉपी कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट होते हैं रिटन फॉर्म में जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारे स्मार्टफोन में कॉपी हो सके। व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप वो तमाम टेक्स्ट अपने स्मार्टफोन में कॉपी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी टेक्स्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं या इंटरनेट के थ्रू आप इस टेक्स्ट के बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से सर्च आउट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये है हमारे पास आज की सेकेंड एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्रूकॉलर, और मोस्टली लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे। व्यूअर्स, ये आप देख रहे कि हमारे पास इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर, तो वो हमारे पास 100 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, और इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है तो वो 4.5 इस एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे रेटिंग है। व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है कि अगर हम कोई नया स्मार्टफोन खरीद लें, अक्सर हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट हमारे स्मार्टफोन में सेव नहीं होता, यानी कि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे पास कोई नंबर सेव नहीं होते और हमारे पास कॉल आ जाती है और फिर हम ये सोच रहे होते कि ये नंबर किसका होगा और किसकी तरफ से हमें ये कॉल दी गई और वो कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं सेव हुआ हो ट्रूकॉलर एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उस नंबर के बारे में बाकी डिटेल हासिल कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर किसका है और आपको किस जगह से कॉल आ रही है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये नंबर सेव नहीं है, तो फिर भी आपको बाकी डिटेल इस एप्लीकेशन के थ्रू शो हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि आप इसको अपने स्मार्टफोन के लिए डाउनलोड कर सकें। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो आज की थर्ड एप्लीकेशन है इसका नाम है हेयरमट, और इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स हैं हमारे पास प्ले स्टोर पे, तो वो 500,000 डाउनलोड्स हैं हमारे पास प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन के, और इसके साथ साथ हमारे पास इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है तो वो हमारे पास 4.6 इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम कोई भी एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, तो उसमें हमारे पास इस एप्लीकेशन के थ्रू उस एप्लीकेशन के लाइव वर्जन आ जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं, ट्विटर डाउनलोड करते हैं, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन इसमें आ जाती हैं। अगर आप वो तमाम एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास आपके स्मार्टफोन में उस एप्लीकेशन का लाइट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप अपने स्मार्टफोन में डेटा नेटवर्क यूज़ करें, तो आपके डेटा नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा और आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, यानी कि लाइट वर्जन के थ्रू आप इसमें लाइट फाइल्स देख सकते हैं, आपको हैवी फाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट लाइट वर्जन इसका होगा तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू शो कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सके। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने स्मार्टफोन की बैटरी भी काफ़ी हद तक सेव रख सकते हैं, और अगर आप डेटा नेटवर्क इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। व्यूअर्स, आज की जो फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास है उसका नाम है पिक्चर आर्ट। व्यूअर्स, ये आप देख रहे कि हमारे पास इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स हैं, तो वो हमारे पास 100 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है तो वो 4.5 इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। व्यूअर्स, आजकल हमें अपने स्मार्टफोन के थ्रू पिक्चर लेने की बहुत ही आदत पड़ गई है, और फिर हम चाहते हैं कि हम उन पिक्चर्स की काफ़ी अच्छी तरीके से एडिटिंग कर सकें, यानी कि उस पर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकें, उस पर डिफरेंट स्टिकर्स अप्लाई कर सकें, और उसके साथ साथ वो हम चाहते हैं कि उस पर डिफरेंट इमेजेस भी अप्लाई कर सकें। तो व्यूअर्स, ये एप्लीकेशन बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आपको पिक्चर एडिटिंग के हवाले से कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी पिक्चर्स पे डिफरेंट फिल्टर्स, डिफरेंट स्टिकर्स और डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी पिक्चर्स को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। व्यूज़, आज की जो लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है उसका नाम है कैम कार्ड फ्री। व्यूज़, ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसके डाउनलोड जो हैं प्ले स्टोर पर, तो वो हमारे पास 10 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है तो वो 4.4 इस एप्लीकेशन की हमारे पास प्ले स्टोर पर रेटिंग है। व्यूज़, इस एप्लीकेशन को आप अपने स्मार्टफोन पर ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल
सक्सेसफुल साबित हो सकती है। व्यूज़ अक्सर आप किसी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे आपको डिफरेंट बिजनेस कार्ड्स रिसीव हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि बारी बारी इस बिजनेस कार्ड के नंबर्स हमारे पास स्मार्टफोन में किस तरह की से सेव किया जाए। व्यूज़ इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से वो तमाम नंबर्स और उन बिजनेस कार्ड के एड्रेस अपने स्मार्टफोन में सेव रख सकते हैं। आप सिंपली ऐसे कीजिएगा कि अपने स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन कीजिएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। आप जैसे ही उस बिजनेस कार्ड की पिक्चर लेंगे तो वो तमाम डिटेल आपके स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली सेव कर दी जाएंगे। यानी कि उस बिजनेस कार्ड के हवाले से अगर कार्ड पर कोई नंबर मौजूद है और फिर नंबर के बाद अगर उस कॉन्टैक्ट के साथ उसके एड्रेस पे मौजूद है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से वो तमाम डिटेल अपने स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू पिक्चर लेंगे उस बिजनेस कार्ड का, तो वो नंबर और वो एड्रेस आपके स्मार्टफोन में सेव कर दिया जाएगा। तो व्यूज़ ये थी हमारे पास आज की टॉप 5 एप्लीकेशन जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है अपने डेली लाइफ के लिए, और आप इन एप्लीकेशंस को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा अपने स्मार्टफोन पे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप वॉचिंग फॉर माई लाइफ। अल्लाह हाफिज़।